नमस्ते ओम शांति प्यारे दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम आह्वान में और आपके इंतजार को लंबा ना करते हुए मैं आपको मिलाती हूँ आपके आज के व्यक्ता दीदी मनोर मनाजी जी से दीदी आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में तो चलिए दर्शकों शुरू करते हैं प्रश्न उत्तरों का सिलसिला दीदी आज का हम पहला प्रश्न लेंगे साहिल जी का इन्होंने ईमेल द्वारा ईमेल भेजा है हमें कि आज हमारे देश में ना रोटी का अकाल है ना कपड़े का अकाल है पर कहीं ना कहीं युवा में चरित्र का अकाल है आजकल विवेकानंद कम और आतंकवाद ज़्यादा फैल रहा है ये बोल बोल रहे हैं इसका मेन कारण क्या है और मैं अच्छा नागरिक बनना चाहता हूँ तो मैं अपने जीवन के लिए जानना चाहता हूँ इस विषय में प्रश्न बहुत अच्छा है साहिल जी ने जो कहा है कि आज के युग में क्या बन रहा है विवेकानंद कम आतंकवाद ज्यादा इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी के अंदर जो ख्वाहिश है कि हम येन केन प्रकारें कैसे भी धनाढ़ हो जाएं आज वर्तमान में गांधी जी का वो सिद्धांत कहीं भी लागू नहीं होता कि अगर किसी अच्छे फल को आप स्वीकार करना चाहते हैं तो बीज भी अच्छा होना चाहिए बिल्कुल बीज अच्छा होगा तो फल अच्छा होगा आज लोग कहते हैं किसने देखा कौन जानता है कि जिंदगी में हम इस टॉप पर कैसे हैं कैसे भी पहुँचो कहीं कहीं तो ये भी सुनने पढ़ने में आता है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है लोगों ने इसको जीवन का सिद्धांत बना लिया कि येन केन प्रकारें किसी को गिरा के किसी को दबा के किसी का पैर खींच के अगर हम किसी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं तो हमें पहुंचना चाहिए क्योंकि आज उस ऊंचाई को लोग अदब से सलाम करते हैं तो यही कारण है कि वो युवा पीढ़ी बहुत परिश्रम करके न धनाढ़ बनना चाहती है न बहुत साधना करके विवेकानंद बनना चाहती है न बहुत अध्ययन करके ज्योति बसु बनना चाहती है वो चाहती है कोई शॉर्टकट फार्मूला कैसे भी बहुत शीघ्र मुझे कुछ मिले और जहाँ तक माइट इज़ राइट अगर सत्ता मिले तो बहुत अच्छी चीज़ है शक्ति मिले उससे अच्छी चीज़ है और आतंकवाद सत्ता शक्ति पैसा सब कुछ दे रहा है इंसान दुनिया में महंगा नहीं है हर चीज़ महंगी है, जान सस्ती है रोज़ कहीं भी मार दीजिए दस पचास कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए उन्हें पैसा मिलता है आतंक फैलाने वाले हर चीज़ का उपयोग करते हैं और सबसे बड़ी बात कि इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं जिससे कि भ्रमित होकर युवा उधर बढ़ता चला जाता है अपनी थोड़ी सी सुख सुविधाओं के लिए जब कोई भी युवा डिग्रियाँ लेकर दो साल तीन साल सैकड़ों इंटरव्यू देने के बाद भी कहीं चयन नहीं होता जब उसको ऐसा लगने लगता है कि मुझे नौकरी मिल ही नहीं सकती तो वो फिर वो रास्ते तलाश करता है कि येन केन प्रकार कैसे भी कुछ भी हासिल हो उसके लिए वो बीज नहीं देखता उसके लिए फल नहीं देखता उसके लिए उसे केवल उपलब्धियाँ चाहिए इसलिए इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिलता है विवेकानंद बनने के लिए जीवन के अंदर दृढ़ता संकल्प शक्ति जीवन के अंदर संयम यम नियम और बहुत खुला आकाश वैचारिकता का जब व्यक्ति के पास होता है तभी वो विवेकानंद बन सकता है बनना बड़ी बात नहीं है हमारी इस भारत की माटी में ही विवेकानंद जन्मे हैं और आज भी जन्म लेते हैं लेकिन धीरे धीरे जो माहौल खत्म होता जा रहा है अध्यात्म का संस्कारों का जो संस्कार हमारी दादियाँ हमारी माँ हमारी नानियाँ कहानियों के माध्यम से बच्चों को दे दिया करती थी अनजाने में उनको राष्ट्र के प्रति गरिमा नारी के प्रति भावना, भगवान के प्रति श्रद्धा और गाय के प्रति भाव जो आते थे आज न गाय है न गंगा है ना नारी है न ना माँ है कहाँ चली गई वो सभ्यता और कहाँ चली गई वो संस्कृति तो इस संस्कृति का अभाव जो हम झेल रहे हैं हमारी बहनें झेल रही हैं उसके पीछे मात्र कारण संस्कारहीनता है और यदि पुनः संस्कार देने वाले पैदा हो जाए माँ शारदा से मुझे याद आती है एक बार एक दो बार पूछा जब स्वामी विवेकानंद विवेकानंद नहीं थे नरेंद्र थे मात्र नरेंद्र और उन्होंने पूछा कि मैं विदेश तक जाना चाहता हूँ क्या जाऊं माँ ने मुस्करा के मना कर दिया फिर पूछा माँ मुझे इजाज़त क्यों नहीं दे रही हो मैं जाऊं फिर मना कर दिया एक दिन अनायास ही कहा उन्होंने नरेंद्र वो चाकू तो देना और चाकू जब नरेंद्र ने उठा कर दिया तो बोले अब तुम जा सकते हो तो चौके क्या मतलब इस चक्कू का और मेरे विदेश जाने से तात्पर्य क्या बोले मैं ये देखना चाहती थी कि तुम मुझे कैसे पकड़ाते हो तुमने इसका फलक अपने हाथ में रखा और चाकू की मूठ मुझे पकड़ाई इसका मतलब यह है कि तुम कोई खतरा अगर मानवता पे आएगा तो उसे खुद झेल जाओगे मानवता को सुरक्षित रखोगे अपनी किसी संकीर्णता के कारण मानवता को तुम किसी अंधकार में या किसी खाई में नहीं झोंक दोगे तब उन्हें छुट्टी दी तो अगर माँ शारदा जैसी माँ जीजाबाई जैसी पुनः इस संसार में हमारी माएँ और दादियाँ युवा पीढ़ी को संस्कार देने लग जाए और ये बाल्यकाल से ही होते हैं आज जो नेटवर्किंग युवा पीढ़ी की हो जाती है मीडिया के माध्यम से और तमाम सूचना तंत्रों से और सरोकारों से इन्वायरमेंट एजुकेशन और भी बहुत कुछ है जो देता रहता है समाज उससे बच्चे में श्रेष्ठ संस्कार नहीं पनपते कहाँ क्या घट रहा है इससे वो छोटा सा बच्चा भी वाकिफ है लेकिन श्रेष्ठ संस्कार किसे कहते हैं इससे वाकिफ नहीं है आज माँ चलना तो सिखाती है लेकिन किस पथ पे चलना है ये नहीं सिखाती। इसीलिए उनसे निवेदन कर दीजिए हाँ कि ये लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, जिन्हें चलना नहीं आता और जिन्हें अपनी मंजिलें तय करना आता है उन लोगों का अभाव हो गया हाँ जी आ, दीदी एक और प्रश्न इससे उठता है कि युवा अपने चरित्र को कैसे श्रेष्ठ बनाए क्योंकि ये भी अपने चरित्र को अच्छा समाज को अच्छा बनाने के तरफ इनका इशारा है तो ये जानना चाहिए निश्चित है जब हम केवल स्वांत्य सुखाए नहीं जीते पर सुखाए जीते अगर मनुष्य केवल अपने हित के लिए ही जीता है तब तो वो समाज का भला नहीं कर सकता लेकिन जब परांत सुखाय जीता है तो वो अपने आस पास सारे समाज पर नजर डालता हुआ चलता है चरित्र कुछ और नहीं है वो चर्या जिसमें इत्र जैसी सुगंध हो उसी को चरित्र कहते हैं हमारा आचार हमारा विचार हमारा व्यवहार ही मिलकर के हमारे चरित्र का निर्माण करता है तो जब हमारे जीवन में हमारे बुजुर्गों के हमारे इतिहास के पन्ने खुले हुए होते हम उनसे वाकिफ होते हैं तो निस्संदेह हमें उनके अनुकरण करने में भी एक आधार मिलता है ईश्वरचंद विद्यासागर क्या थे विद्यार्थी जी क्या थे और भी बहुत से लोग हो गए हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी ऐसे लोग हो गए हैं पंडित मदन मोहन मालवीय क्या जरूरत थी उन्हें दामन फैलाकर एक एक पैसा एकत्र करने की समाज का भला करना चाहते थे भारतीय शिक्षा युवाओं को देना चाहते थे इसलिए बी एच का निर्माण किया तो जब हम परंतर सुखाए के लिए जीना चाहते हैं तो हमें अपने उस इतिहास के उन पृष्ठों को पलटना होगा जहाँ लोग समाज के लिए ही जीकर चले गए जीवन में स्वतः चरित्र का निर्माण होता चला जाएगा हाँ जी दीदी दीदी आजकल युवा समझते कि उनके सामने कोई रोल मॉडल नहीं है जिसका वो चरित्र देखकर उनको फॉलो कर सके तो उस विषय में आप क्या कहेंगे नहीं ऐसा भी नहीं कहेंगे हम यदि हम जागरूक नागरिक हैं, यदि हम जागरूक युवा हैं तो आज वर्तमान में भी हमारे सामने बहुत से रोल मॉडल हैं ये कहना कि हमारे सामने रोल मॉडल ही नहीं है अभी अभी एक घटना घटी है और जिसमें उत्तर प्रदेश का एक बालक था जिसने कि अनेक बच्चों को आग से निकालने के बाद आग से खुद इस कदर झुलस गया था कि छत्तीस घंटे तक वो संघर्ष करता रहा फिर उसको जीवन मिला और उसके लिए दुआएं की गई तो ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में औरों को बचाते रहते हैं अंत तक फिर लास्ट में वो बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे इसकी उम्मीद भी खत्म हो जाती है बच जाते हैं जीवन की घड़ियां शेष उनके भाग्य में होती हैं, तो।, तो आज भी मौत से जूझने वाले विपरीत परिस्थितियों में तैर के आने वाले और लोगों के सामने एक आदर्श रखने वाले बहुत रोल मॉडल हैं हमें केवल अपनी आंखें खोलने की जरूरत है अभी कुछ दिन पहले की बात है एक फुटबॉलर प्लेयर थी लड़की थी जिसको कि चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया गया था अनैतिक कार्य और वार्ता का विरोध करने पर और उसने आज ध्वज फहराया जाकर एवरेस्ट पर तो विचार कीजिए कि हमारे आगे जिनके अंदर हौसले बुलंद हैं साहस का संचार है जो हिम्मत नहीं हारते हैं वो अपने नेक इरादों से नहीं टलते ये सच है कि कदम कदम पर विपरीत परिस्थितियां होती हैं विफलताएं भी मिलती हैं। लेकिन हर विफलता पर न तुम आंसू बहाओ हर सफलता का यही पहला चरण है और यदि वर्तमान में कोई नहीं नजर आता तो आप पलट डालिए अपने इतिहास को एक नहीं अनेक मिलेंगे आपका दिल जिसको कहे उसको फॉलो कर सके। हाँ जी और दीदी जैसे विवेकानंद जी जैसे होकर गए हैं उस प्रकार अगर युवा को अपना जीवन बनाना है जीवन सफल करना है तो उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए वो होनहार बिरवान के हो चीखने पात एक तो बात ये होती है और पैदा होते ही कोई बुरा पैदा नहीं होता उनके जीवन में नेक इरादे होते हैं वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पहले से ही वो उन गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं ये जिन्होंने अच्छे साहित्य का अध्ययन किया बाल्यकाल से आप गीता प्रेस गोरखपुर को देखें खास तौर से बच्चों के लिए अनेकों पुस्तकें अनेकों साहित्य उपलब्ध कराते हैं कि जिसमें वो अपने इतिहास से वाकिफ कराते हैं इसके अलावा और भी बच्चों के जो रोल्स आते हैं उनको देख करके ऐसा लगता है कि जब ये ऐसा कर सकते थे तो मैं भी कर सकता हूँ और हम बचपन से ही उस तरह एक अपने मन में आदर्श बना लेते हैं कि हमको ऐसा करना है तो हमारी गतिविधियाँ उस दिशा की ओर उन्मुख हो जाती हैं और वही हमारे लिए आगे चलकर समाज हित में और देश हित में काम आता है दीदी जी आपने शुरुआत में एक बात बोली थी कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग के बारे में दीदी आपने बात करी थी तो आतंकवाद में तो जैसे ब्रेन वॉश कर देते हैं तो बोलते कि जन्नत मिलेगी अगर तुम आतंकवाद के अगर तुम इस राह में चलोगे तो इस विषय में आप क्या बोलेंगे नहीं तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है ना ये जो बात आ, है कि वो सब जन्नत मिलेगी हाँ जी तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कुर्बानी देने वाली बात जो है जब हम किसी नेक काम के लिए अगर सर कटाने को भी तैयार हैं तो हमारा मकसद क्या है मौजू क्या है हम किस लिए कुर्बानी दे रहे हैं अपनी अपना धर्म स्थापन करने के लिए वो बोलते हैं कि इस विषय में हम आता नहीं तो ये जो चीजें हैं ना यही संकीर्णता है ये संकीर्णता मैंने जो कहा इमोशनल ब्लैकमेल वाली बात कि हम उनको एक झूठा नक्शा दिखाते हैं हम उनको ये बताते हैं कि तुमको इससे ये लाभ होगा देखो तुम्हारे यहाँ भुखमरी है देखो तुम्हारे यहाँ पैसे का अभाव है देखो तुम वहाँ रह रहे हो तो तुम्हें जिंदगी में कभी नौकरी नहीं मिलेगी और तुम हमारे साथ आ जाओ तो मैं हम एक काम तुम हमारा अंजाम दोगे हम इतने हज़ार रुपये देंगे तो व्यक्ति चल देता है उस वक्त पे क्योंकि उसे सेहत सुविधाएँ मिलने लगती सेहत साधन मिलने लगते हैं सपोर्ट मिलता है फिर उसे जो ख्वाब दिखाए जाते हैं कि तुम अभी साइकिल भी नहीं ले पा रहे हो क्या करोगे तुम जब एक कोई भी ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है तो एक सज्जन को पकड़ा एक सब इंस्पेक्टर ने और उनके हाथ काले थे कपड़े सफ़ेद थे जहन भी वैसा ही था तो जब उनको पकड़ के पुलिस लेके आ रही थी तो उससे उन्होंने कहा कि क्या चाहिए वो बोलो कितना लोगे वो बोलो तुम जिंदगी भर कमाओगे तुम्हें ये गवर्नमेंट नहीं देगी नहीं। बोलो दस लाख बीस लाख तीस लाख चालीस लाख पचास लाख अब आप सोचिए वर्दी को ख़रीदने की तमाम कोशिशें बेकार गईं चूँकि वो व्यक्ति सही था उसने कहा तुम करोड़ भी दोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें लेके चलूंगा। हालांकि उनको बाद में बहुत झेलना पड़ा उसके पीछे हमेशा धमकियाँ हमेशा परिवार को विपरीत परिस्थितियों से होके गुजरना मगर ना वो हारे ना हिम्मत ने उनका साथ छोड़ा और वो आज भी अपनी जगह बहुत ही मुकम्मल है तो अगर हमारे अंदर श्रेष्ठ संस्कारों की नींव होती है तो हम किसी तरह के बहकावे में नहीं आते मेहनत और परिश्रम की कमाई हुई दो रोटियाँ सुकून देती हैं और अनाप शनाप पैसा जो हमें कहीं भी पिछले दरवाजे से आता है वो टिकता कभी नहीं है इधर से आता है उधर से चला जाता है और प्रतिपल मृत्यु का भय प्रतिपल कहीं मारे जाने की आशंका प्रतिबल कहीं पकड़ लिए जाने का भाव मन में भय के दंश की तरह चुपता रहता है एक बार कोई हमें डस ले चलेगा लेकिन बार बार कोई डसता रहे तो विष बार बार हमारे शरीर में प्रवेश करता रहे तो ये जो आतंकवाद की शरण में चले जाते हैं इन युवाओं से आप पूछिए तो इनका जीवन उस तरह जिसे बार बार डसा जाता है मन का और सुकून खो के वहाँ पहुँचते हैं अच्छा दीदी कभी कभी तो भावनाओं को भी उल्टी दिशा में ले जाते हैं भगवान के नाम पे भी ऐसे आतंक की राह पे चलाते हैं लोगों को तो उसके पीछे अपना मोटो हल करना है भगवान ने तो किसी भी ग्रंथ में चाहे वो कुरान पाक हो चाहे वो बाइबल हो चाहे वो हिंदू धर्म ग्रंथ हो कहीं नहीं ये रास्ते सुझाए हाँ जी पर तब भी पूरा उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ऐसे। अभाँ। अभाँ। अभाँ और एक साथ बहुत कुछ मिल जाने का भाव हम्म उन्हें उधर ले दीदी जब समाज में चारों तरफ नेगेटिविटी ही फैली हुई है टीवी खोलो तो मार धार देखने को मिलता है न्यूज़पेपर सुबह उठाओ तो उसमें खबरें हम पढ़ते हैं अपराध के बारे में पढ़ते हैं तो युवा सोचे कैसे पॉजिटिव कैसे अपनी थिंकिंग बनाए देखिए उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है समाज में नेहरू युवा केंद्र चल रहे हैं राष्ट्र की ओर से अच्छा। बहुत सारे युवक मंगल दल चल रहे हैं बहुत सारे जातीय संगठन चल रहे हैं वो अपने जातीय समीकरण पर युवाओं के संगठन हैं और ये सारे संगठन या सामाजिक संस्थाएं रोटेरियंस हैं लॉयंस हैं ये सब मिलकर के समाज के लिए कुछ ना कुछ करते हैं हम आपकी बात से सहमत कि नकारात्मकता ज्यादा से ज्यादा परोसी जा रही है लेकिन अगर हम युवाओं को ये संदेश देते हैं कि वो नेगेटिव कार्ड को अपनी जेब में न रखें घट रही घटनाओं में से वो उनमें से एक नहीं पर दीदी कहीं ना कहीं वो आकर्षित भी हो जाते हैं उस तरफ जैसे लोभ है उस तरफ वो आकर्षित भी हो जाते तो गलत राह पे चलना आसान भी समझते हैं वो लोग नहीं आसान तो मैंने कहा ना कि भाव और अभाव एक है अभाव एक है पूर्ति अभाव होता है और भरपूर मिलने की आकांक्षा होती है तो व्यक्ति उधर मुड़ जाता है लेकिन अगर हम ये कहें कि पूरा का पूरा भारतवर्ष का युवा उधर ही मुड़ा हुआ है, है। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं एक समूह से छिटक के कुछ चले गए जो नक्सलाइट्स हो गए हमने पदयात्रा की थी और इलाहाबाद से लेकर रायपुर तक हम लोग पैदल गए बहुत सारे नक्सलाइट्स क्षेत्रों से गुजरे सिंगरौली वगैरह से भी गुजरे कई मोड़ ऐसे भी आए जहाँ लोगों ने कहा कि प्लीज आप लोग गाड़ी में बैठ जाइए हम पदयात्रा करने निकले गाड़ी यात्रा करने नहीं निकले पैदल चलेंगे बोले हमको मुश्किल है आपकी सुरक्षा करना कोई हर्जा नहीं है हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे परेशान हो गए वो रात को ये पोजीशन थी कि हमारे जितने पदयात्री थे एक पुलिस वाला दूसरे पदयात्री के साइड से लेटा हुआ था आगे भी जब हम लोग अंबिकापुर साइड से निकल रहे थे तो मशीन गन लेकर के हमारे साथ बीएसएफ के जवान थे और बीच में हम लोग चल रहे थे तो देख करके अजीब सा लगता था कि संगीनों के साय में शांति दूत मैंने मीडिया को यह न्यूज़ दी कि हम अपने नक्सलाइट बंधुओं से मिलना चाहते हैं हम निकले हैं इस मुहिम पर सद्भावना की यात्रा लेकर तो हम चाहते हैं कि वो हमें मिलें हम उन्हें गले लगाना चाहते हैं वो हमारे भटके हुए भाई हैं जो समाज से बिछुड़ गए हैं तो प्राय आपने सुना होगा एक बहुत पुरानी कहानी है कि मनुष्य का एक बच्चा बिछोड़कर भेड़ियों के ग्रुप में चला गया था और वो भेड़ियों की तरह ही चलने लगा था बोलने भी उनकी तरह लगा था बाद में उस पर प्रयोग हुआ लेबरेटरीज में रख करके तो चूंकि उसको वैसा ही लालन पालन मिला वैसे ही चारों हाथ पैर रख के चलता था वो लो लोग कहानी कहते हैं कि शेर के बच्चे को भेड़िया उठा ले गए तो वो वो भी भेड़ियों की तरह ही भागने लगा शेर ने उसको पकड़ लिया बोला तू मेरी औलाद औलादे जाता <laughs> देख इसमें और उसे एक तालाब में अपना चेहरा और उसका चेहरा दिखाया और बोला चिल्ला तरह हाँ विचार कीजिए कि मनुष्य जो है जब भटक जाता है अपने ग्रुप से अपने संगठन से अपने मूल्यों से अपने संस्कारों से और ये एक्चुअली इसमें बहुत बड़ा दोष उनका है जिन्हें हमें ये सिखाना चाहिए कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना कैसे चलना है कैसे नहीं चलना कैसे रहना है कैसे नहीं रहना क्योंकि ये एक दिन से नहीं होता ये बाल्यकाल से लेकर के बड़े होने तक जो भी हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं घर परिवार में देखते हैं समाज में देखते हैं वही तो हम ग्रहण करते हैं तो अगर हमारा पालन पोषण श्रेष्ठ संस्कारों के साथ हो श्रेष्ठ आचरण और ऐसे मॉडल रोल्स के साथ हो तो ऐसा कभी नहीं होगा हम सीख जाएंगे कि निगेटिविटी हमारे लिए विष के समान है हम फिर किसी नेगेटिव आचरण को देखेंगे लेकिन वैसा करेंगे नहीं आपने बहुत अभी लेटेस्ट एक देखा होगा मुझे कोई सुना रहा था कि एक बच्चा अपने पापा से कहता है कि मेरे रिपोर्ट कार्ड पे आप साइन कर दीजिए और आंखों पर पट्टी बांध रहा है तो उन्होंने कहा मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रहे हो भाई अरे रिपोर्ट कार्ड पे तुम्हारे साइन करना है बोला कल भी तो किए थे आपने बिना देखे हुए तो बच्चे आज देखिए ये भी एक एड है कि बच्चा सिखा रहा है फादर को कि किसी भी पेपर पे बिना क, देखे पढ़े साइन नहीं करने चाहिए पॉलिसी मैटर समझ लेना चाहिए मेरे रिपोर्ट कार्ड पे आप क्यों नहीं करेंगे जब आपने कल किए थे तो समझ में आता है ना कि गलत किया मैंने कल तो बच्चे हमारे गलत कार्यों को भी देखते हैं हमारे अच्छे कार्यों को भी देखते हैं वहीं से सीखते हैं अगर हम बचपन से ही इस पौध को उपजा रहे हैं पल्लवन दे रहे हैं तो हमें ध्यान रखना होगा इसमें संरक्षकों की महती भूमिका है वो अगर थोड़ा ध्यान दें तो ऐसा नहीं होगा और दीदी कौन रिस्पॉन्सिबल है कौन इस श्रेष्ठ मार्ग में बच्चों को चलाने के रिस्पॉन्सिबल है माता पिता और कभी कभी तो माता पिता ही खुद ही अपनी प्रॉब्लम से घिरे होते हैं तो बच्चों को ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता समय भी नहीं दे पाते कभी कभी तो माता पिता बच्चों को तब बच्चे किससे सीखेंगे नेचुरल है ये तो एक आज के युग में बहुत बड़ी त्रासदा है कि आप कि बच्चे आपके साथ नहीं बैठते उठते आपसे किसी भी विषय पर संपर्क नहीं करते आपको कष्ट होता है कि भाई ये बच्चे हमारे हमसे दूर होते जा रहे हैं आप पूछते भी हैं एक फैमिली में ऐसा ही था वो लोग आए पूछा उन्होंने कि हमारे बच्चे हमारे साथ कभी हंसते बोलते नहीं हैं हमारे साथ कभी उठ के बैठते नहीं हम इधर बैठेंगे तो उधर चले जाएंगे हमने क्या नहीं किया उनके लिए पूछा मैंने क्या क्या किया आपने उनके बोले हमने उनको जिम में एडमिशन दिलाया हमने उनको स्विमिंग करना सिखाया हमने जो उन्होंने मांगा दिया जब माँ बाप ये कहते हैं कि हमने क्या नहीं किया अपने बच्चों के लिए जब उन्होंने तैरना चाहा तो स्विमिंग पूल दिया जब उन्होंने जिम जाना चाहा तो उन्हें एडमिशन दिलाया जिस कोचिंग में पढ़ना चाहा उस कोचिंग में एडमिशन दिलाया जब उन्होंने चाहा कि हम इस कॉलेज में पढ़ेंगे वहाँ पढ़ाया जितना पैसा उन्होंने चाहा दिया आप बताइए हमने उनके लिए क्या नहीं किया तो मैंने उनसे पूछा कि आपने उनको समय कितना दिया तो उन्होंने कहा बस यही तो एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास समय नहीं था हम फैक्ट्री से फुर्सत नहीं पाते हैं इसमें कोई दो राय नहीं हमने समय नहीं दिया उनकी मदर से पूछा कि आपने बोला सॉरी हमारी सोशल लाइफ है हम भी समय नहीं दे पाए तो सोशल लाइफ का अभिन्न अंग आपके बच्चे हैं आपकी ये सोशल लाइफ किस काम आएगी अगर आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे अगर आपके बच्चे गुमराह हो जाएंगे अगर आपके बच्चे किसी अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंचे, तो आपका सब कुछ करना व्यर्थ हो जाएगा बच्चे हमारे जीवन का एक अंग है कोई भी माली जब पौधा लगाता है तो उसकी बहुत केयर करता है तो नौनिहालों की केयर भी उसी तरह होनी चाहिए और उन्हें समय देना ही पड़ेगा यदि हम उन्हें समय नहीं देंगे तो केवल पैसे के बल पे हम उन्हें काबिल नहीं बना सकते तो दीदी ऐसे समय पे युवा जाहे कहा नहीं अगर वो ऐसी त्रासदा को झेलते हैं तो या तो भटक जाते हैं भाई क्लब चले जाते हैं डांस ड्रामा डिस्को और चाहिए क्या तो या तो वो थ्री में पड़ जाते हैं या ड्रग एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं उन्हें कहीं तो संबल चाहिए तो अगर हम उनकी अच्छी नींव डालते हैं तो निश्चित है कि वो कुछ अच्छा साहित्य अच्छा अध्ययन अच्छी लाइब्रेरीज ज्वाइन कर लेते हैं या फिर अच्छे मित्रों का साथ हो मेडिटेशन करना चाहते हैं ऐसा नहीं है इस दरमियान ये भी देखने में आया है कि युवा पीढ़ी का रुझान आध्यात्म की ओर बढ़ा है और वो आध्यात्म समाज की पीड़ा को मिटाने के लिए ही सीखना चाहता है वो आध्यात्म समाज से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही चाहता है वो आध्यात्म का वैरायटी यूज़ करना चाहता है अपने मनोबल को बढ़ाना चाहता है तो आध्यात्मिक पथ का चयन वो अपने जीवन में कर सकते हैं उससे उनको न केवल राहत मिलेगी बल्कि नई दिशा भी मिलेगी दीदी जैसे कि बाजार में अनेक अनेक दुकान खुली होती है उसी प्रकार आध्यात्मिकता के तरफ भी अनेक संस्थाएं हैं तो कौन सी सही मार्ग है कौन सा सही दिशा देगा हमें ये बच्चे कैसे पहचाने बच्चों को विजडम तो है विवेक तो है ऐसा नहीं है कि उनमें विवेक नहीं है वो चयन स्वयं की रुचि से करते हैं जो मार्ग हमें हिंसा की ओर नहीं ले जाता जो मार्ग हमें कुछ रचनात्मक जनहित की बात सुनाता है जो हमें प्रैक्टिकल करके दिखाता है जिस आध्यात्मिक संसार में कथनी और करनी एक सूत्र में पिरोई हुई हो वही उनके लिए सबसे उपयोगी मार्ग होगा बहुत बड़े सिद्धांतों की गणना करना बहुत बड़ी हाइपर थीम को पकड़ना ऐसा नहीं प्रैक्टिकल हो कथनी करनी एक हो उनको हिंसा से उनको ड्रग्स से उनको कुमार्ग से बचाने वाला मार्ग हो वही आध्यात्मिक मार्ग उनके लिए फलदायी होगा okay. uh, साहिल जी मैं समझती हूँ आज आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिला होगा और मैं समझती हूँ ये प्रश्न आपका ही नहीं पर लाखों और लोगों का भी रहा होगा दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और uh, दर्शकों हम अगले कड़ी में दोबारा हाजिर होंगे आपके प्रश्न लेकर तब तक के लिए नमस्कार